हेलो स्टूडेंट, आज हम बनाएंगे ग्रो मोर क्रॉप्स स्लोगन। तो आपको लेटर राइटिंग जो है, वन लेटर की हाइट आपको 5 सेंटीमीटर लेना है और लेंथ लेना है 3 सेंटीमीटर। इसमें W और M की साइज 4 सेंटीमीटर रहेगी, बराबर। तो यहाँ पे ग्रो है तो यहाँ पे 3, 3, 3 और ये 4 सेंटीमीटर। टू लेटर के बीच में आपको 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं काउंटिंग करूँ तो ये 16 सेंटीमीटर में लेटर्स आते हैं, बराबर। तो मोर में भी सेम मेजरमेंट रहेगा, 16 सेंटीमीटर, और क्रॉप्स के सभी लेटर 3-3 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी, 3-3 सेंटीमीटर, ओके, और 1-1 सेंटीमीटर गैप रहेगा, तो ये 19 सेंटीमीटर रहेगा, क्लियर। तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है पेपर के अंदर, नोटबुक के अंदर। तो इस तरह से मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं। तो वन लेटर की हाइट नीचे से क्या करना है, बॉटम से आपको 2 सेंटीमीटर छोड़ देना है, 2 सेंटीमीटर, और एक लाइन बना दो, और यहाँ साइड से 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक लाइन बना दो, बराबर है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, बाद में 2 सेंटीमीटर गैप छोड़ना है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर छोड़ देना है, अगेन 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, अगेन 5 सेंटीमीटर, ओके। तो 5 सेंटीमीटर लेना है, 2 सेंटीमीटर गैप छोड़ना है, अगेन 5 सेंटीमीटर, अगेन 2 सेंटीमीटर गैप, अगेन 5 सेंटीमीटर, क्लियर। बाद में क्या करना है आपको, इसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर के हिसाब से आपको पॉइंट रख के ग्राफ बनाना है, ऐसे लाइनिंग बना देना है, क्लियर। तो नीचे जो लाइन है वो 19 सेंटीमीटर होगा क्रॉप्स के लिए, और बाकी ये मिडल और ऊपर के लिए आपको 15 सेंटीमीटर यूज़ करना है, 16 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से ग्राफ बना देना है पहले, उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर के ग्राफ, ओके, 1-1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ लेटर्स, तो वन लेटर 3 सेंटीमीटर में लेना है, 1, 2 एंड 3। बाद में फोर्थ नंबर का बॉक्स आपको इरेज कर देना है, ओके। उसके बाद आर, यहाँ पे जी लिखना है, यहाँ पे आर, तो 1, 2, 3। बाद में अगेन यहाँ से फोर्थ बॉक्स रब कर देना है, क्लियर, और ओ बनाना है, तो 1, 2, 3, बाद में फोर्थ बॉक्स रब कर दो, और डब्ल्यू के लिए आपको 4 बॉक्स बनाने, ओके। तो यहाँ पे 1 बॉक्स एड करना होगा मुझे, 16 बॉक्स बनाने टोटल, ओके। तो यहाँ पे 1 बॉक्स में बना देता हूँ वापस, 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बनाना है, ओके। तो यहाँ पे 4 बॉक्स में W रहेगा, और यहाँ पे आपको फर्स्ट M बनाना है, मोर। तो इसके लिए 1, 2, 3 एंड 4 बॉक्स के बाद 1 बॉक्स इरेज करना है, ओके। बाकी सब लेटर 3-3 सेंटीमीटर में लेना है, 1, 2, 3, ओके, अगेन 1, 2, 3, बाकी का सब पार्ट आपको रफ कर देना है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लाइन से हो, 1-1 सेंटीमीटर के ग्राफ बनाने, ओके, 1-1 सेंटीमीटर, साइड में से पहले 1 सेंटीमीटर छोड़ देना है और स्ट्रेट लाइन बना देना है, और बॉटम से आपको 2 सेंटीमीटर छोड़ के स्ट्रेट लाइन बना देना है, तो एल शेप लाइन बन जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ 0 से 5 सेंटीमीटर, बाद में 2 सेंटीमीटर छोड़ देना है, अगेन 5 सेंटीमीटर, बाद में 2 सेंटीमीटर छोड़ देना है, अगेन 5 सेंटीमीटर, बराबर है। तो 5-5 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी लेटर्स की। उसके बाद नीचे क्रॉप्स के लिए यहाँ पे 1, 2, 3 बॉक्स, फोर्थ बॉक्स रफ कर देना है। आर के लिए यहाँ पे 3 बॉक्स, यहाँ पे सभी 5 लेटर्स 3-3 सेंटीमीटर में रहेंगे, फोर्थ बॉक्स रफ कर देना है आपको, ओके। बाद में आपको इसके अंदर लेटर्स लिखना है, लेटर्स कैसे लिखना है ध्यान से देखिए आप, मैं लेटर्स यहाँ पे लिखवाता हूँ। तो यहाँ पे हाइट 1, 2, 3, 4 एंड 5 बॉक्स, लेंथ 1, 2, 3 बॉक्स, ओके, 1 सेंटीमीटर बीच में गैप छोड़ना है। तो यहाँ से जी लिखना है हमें, तो ये लाइन के हिसाब से आपको जी बनाते जाना है, इसे स्केल का यूज़ करिएगा, कॉर्नर राउंड करना है, ओके, यहाँ से बनाते जाना है। फिर यहाँ पे क्या करना है जी, में मिडल में 1, 2 और 3rd बॉक्स हाफ करना है, हाफ आधा बॉक्स यूज़ करना है। यहाँ से लाइन कंटिन्यू करो, यहाँ से इसे ले लो और इसे राउंड कर दो, तो ये जी बन गया। उसके बाद आर, यहाँ से आर बना दो आप, कॉर्नर राउंड करना है, यहाँ पे 3 बॉक्स यूज़ करना है, 1, 2, 3 बॉक्स, यहाँ से इतना ले लो। फिर यहाँ लास्ट लाइन डार्क कर देना है, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, ये लाइन यहाँ तक आने देना है, ये मिडल बॉक्स खाली रखना है यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे जॉइंट करो, यहाँ से यहाँ पे जॉइंट करो, क्लियर।
फिर ये मिडल बॉक्स यहाँ पे डार्क कर लेना आपको, इतना इतना हुआ। उसके बाद यहाँ पे ओ बनाना है, कॉर्नर राउंड का देना है, ओके ऐसे। बाद में W बनाना है, तो ये फोर लाइंस आपको डार्क कर देना है यहाँ पे, ओके। ये वन लाइन डार्क कर देना है, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन डार्क कर देना है। उसके बाद इसमें 1-2 नंबर दे दो आप कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे। बाद में क्या करना है आपको, नंबर नंबर जॉइंट कर देना है यहाँ से, यहाँ से नंबर नंबर जॉइंट कर दीजिए आप ऐसे, लाइट 2 नंबर 2 नंबर जॉइंट करिए, यहाँ पे 1 नंबर 1 नंबर जॉइंट करिए, सेकंड नंबर जॉइंट करना है, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से वी शेप डार्क कर लेना है और यहाँ से आपको ये वी शेप डार्क कर लेना है, क्लियर। ये लाइन स्ट्रेट कर देना है आपको, तो ये W बन गया। बाकी के लाइन इरेज कर देना है आपको, ये सब क्लियर, इतना ये W बन जाएगा आपका। फिर M, तो उसका उल्टा कर देना है आपको, क्लियर। ये लाइन में डार्क कर दे तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, यहाँ से इसे ये डार्क का दो लाइन, फिर इस तरह से नंबर दे देना है 1-2 1-2 पॉइंट बराबर है, 1-2 1-2 नंबर्स दे देना है। इसका मैं अगर होगा तो फोटो भी आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। यहाँ से 1-1 नंबर ज्वाइंट करना है लाइट एकदम, सेकंड नंबर ज्वाइंट करना है, यहाँ से 1 नंबर, यहाँ से सेकंड नंबर, ओके। फिर ये ऊपर का डार्क कर लेना है आपको, यहाँ से ये भी शेप डार्क कर देना है और ये लाइन स्ट्रेट कर देना है आपको, तो M बन गया, ओके। उसके बाद ओ तो यहाँ पे सिखाया हुआ है तो सिखाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ओ बनाना है, यहाँ पे R लिखना है बराबर है, MOR, ओके। फिर यहाँ पे E सिखा देता हूँ डायरेक्ट आपको, यहाँ से E बना देना है इसे, ओके। चलो बना ही देता हूँ यहाँ पे ओ, ये राउंड कर देना है, कॉर्नर्स राउंड रहेंगे, अंदर का पार्ट रेक्टेंगल ही ले लेना है, उससे कोई आपको करना नहीं है, ओके। यहाँ से आर बन जाएगा इसे, ओके। फिर यहाँ से सी लिखना है, ये नीचे वाले सभी लेटर्स आपके 3-3 सेंटीमीटर में आएंगे, 3 सेंटीमीटर में। बाद में ग्राफ टोटल इरेज कर देना है, लेटर्स हो जाए बाद में। बाद में आर लिखना है, यहाँ से यहाँ पे जॉइंट कर देना है लास्ट बॉक्स में। अगेन ओ बनाना है यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे पी बनाना है, 1-2-3 बॉक्स यूज करना है यहाँ से, जैसे आर में लिया वैसे सेम हाइट रहेगी। फिर लास्ट वर्ड लेटर एस लिखना है, तो वन लेटर की हाइट 5 सेंटीमीटर और लेंथ रहेगी 3 सेंटीमीटर, ओके। हाइट 5 सेंटीमीटर, लेंथ 3 सेंटीमीटर, एस बन गया। अभी बाद में इतना हो जाए उसके बाद टोटली ग्राफ रफ कर देना है, ओनली फॉर लेटर्स दिखना चाहिए। ऊपर में जो स्पेस खाली है वहाँ पे आप क्रॉप्स बना सकते हैं, ऐसे बनाना है तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना के आपको यहाँ पे ग्रास बनाना है, ऐसे थोड़ा डेकोरेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे, बाद में क्रॉप्स बना दो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऐसे बराबर है। इसमें वो कर लो ब्राउन, ऐसे कलर कर देना है फिर ऐसे, यहाँ पर ऐसे क्रॉप्स बना सकते हैं आप,
ओके, स्मॉल बिग साइज आप यूज कर सकते हैं इसमें। इसके अंदर आपको वाटर कलर करना है। वाटर कलर में आप इसके अंदर सभी लेटर्स, ये लेटर्स अलग अलग कलर, ये लेटर अलग कलर, ये लेटर अलग कलर, ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप कलर्स में, बराबर है। डिफरेंट कलर्स लेना है तो भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सिंग कलर करना है तो भी कर सकते हैं आप, बराबर है। तो आप कैसे भी आप उसमें कलर ले सकते हैं। ओके, ऐसे आप क्रॉप्स बना सकते हैं इसमें, तो थोड़ा डेकोरेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से वो बनाना है आपको, क्लियर। तो ये कंप्लीट हो गया आपका ऐसे। ओके, तो इस तरह से बनाना है। ओके, चलो बाय एवरीवन।